अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में शिक्षा विभाग तथा डाइट बाड़मेर के साझा प्रयास से आयोजित पुस्तक मेले और साहित्य उत्सव में हिस्सा लेने वालों की संख्या प्रत्येक दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। शनिवार को मेले में करीब 2000 लोगों ने भागीदारी निभाई। शहर के युवाओं, बच्चों और आमजनों ने साहित्य उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आमजन के बीच किताबों का संकलन, कठपुतली नाटक तथा साहित्यिक चर्चाएं मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन शिक्षा विभाग और डाइट बाड़मेर के सहयोग से आयोजित साहित्य उत्सव व पुस्तक मेले के चौथे दिन शनिवार को भी दर्शकों की आम दखलत बनी रही। कार्यक्रम के चौथे दिन भी लगभग 2000 युवाओं, विद्यार्थियों तथा आमजनों ने मेले में शिरकत की। शनिवार के दिन जिले के लगभग 16 सरकारी व निजी विद्यालयों ने बाड़मेर में हो रहे इस आयोजन का लाभ उठाते हुए अपने अपने विद्यार्थियों को साहित्य उत्सव व पुस्तक मेले का भ्रमण करवाया। इस दिन रामसर ब्लॉक की दूरस्थ पंचायत क्षेत्राओं से खारा गोगलिया व भवानी सियागों की ढाणी के राजकीय विद्यालय भी अपने विद्यार्थियों को 80 किलोमीटर दूर से मेले में शिरकत करने के लिए बाड़मेर लाए। इन विद्यार्थियों ने इस उत्सव में पुस्तकों व विभिन्न विषय के स्टॉल्स के साथ ही खेलों में भी हिस्सा लिया। स्थानीय निवासियों व विद्यार्थियों के साथ ही आसपास के शहरों व जिलों से भी लोग साहित्य उत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे। पुस्तक मेले में आमजन, युवा तथा महिलाएं सभी भारी संख्या में किताबें देखते व फलित दिखे। कई युवाओं ने आज प्रस्तुतकर्ताओं के साथ मिलकर स्वयं भी संगीत का व कला के स्टॉल्स पर अपनी पसंद के गीतों व चित्रकारी की प्रस्तुति दी। दर्शकों ने बाड़मेर जैसे दूरस्थ शहर में किताबों व साहित्य से जुड़ी इस स्तर की पहल की भरपूर सराहना की और इस तरह के अन्य कार्यक्रमों के आयोजनों को आगामी वर्षों में और बड़े स्तर पर देखने की इच्छा जाहिर की। साहित्य उत्सव के साथ शाम को आयोजित हार चौपाल समागम में चौथे दिन शहर के साहित्यकारों ममता शर्मा, जोगाराम मांगू सिंह व बी डी तातेड़ ने एक लेखक के तौर पर अपनी यात्रा तथा बाड़मेर के संदर्भ में स्थानीय साहित्य के परिदृश्य को लेकर अपने विचार रखे। बातचीत के दौरान दर्शकों ने भी अपने सवाल व विचार समागम में साझा किए। इस चर्चा के साथ ही साथ स्थानीय गीतों की एक प्रस्तुति भी इस कार्यक्रम में शामिल की गई। बाड़मेर साहित्य उत्सव व पुस्तक मेले के इस वर्ष के संस्करण का आखिरी दिन 18 फरवरी है। इस दिन पहुंचने वाले सभी आगंतुक पुस्तक मेले में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक पुस्तकों को देखकर खरीद सकते हैं। इसी के साथ ही साहित्य उत्सव के समापन समारोह का आयोजन थार चौपाल के बैनर तले सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किस्सा गोई व कुछ अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तथा चर्चाओं के साथ किया जाएगा। शहर के सभी लोग शिव करोड़ स्थित अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के परिसर में निःशुल्क इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं।